हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे और इस दरमियान वे गुरु तेग बहादुर के नाम पर एक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे। वहीं देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर चली गई हैं। IMF और G20 और वर्ल्ड बैंक की बैठक में वो हिस्सा लेंगी। देश के वित्त मंत्री का ये दौरा भारत के लिए कई मायनों में अहम साबित होगा। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कल से जो GST की दरों में बदलाव की जो खबरें आ रही थी ना, उनको सरकारी सूत्रों ने गलत बताया कि केंद्र सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है और मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो फिलहाल बेतुकी हैं। कहने का मतलब, जो GST स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% कर सकती है गवर्नमेंट, इस तरह की जो कल मीडिया रिपोर्ट आई थी वो फिलहाल ऑफिशियल नहीं है। लेकिन आप इतना भी खुश मत होइए, क्योंकि महंगाई का एक और डोज नहीं बल्कि कई सारे झटके आम आदमी को और लगने वाले हैं। देखिए आप, बड़ी खबर, नमक और तेल की कीमतों में उछाल के बीच एक और झटका लग रहा है। अगले महीने AC और फ्रिज वगैरह के दाम भी बढ़ सकते हैं। GST बैठक में इस तरह का फैसला हो सकता है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है फिलहाल। वहीं देखिए, महंगाई ने आम आदमी को तगड़ा झटका दिया। पिछले महीने मार्च का जो डेटा आया, रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक खाने पीने की चीजें और भी ज्यादा महंगी हुई। देखिए आप, लगातार 12वें महीने डबल डिजिट में थोक महंगाई दर रही है। मार्च में 14.55% महंगाई दर रही। खाने पीने की चीजों और ईंधन के दाम बढ़ने का असर देखने को मिला। आलू की थोक महंगाई दर 24.62% पर पहुंच चुकी है। वहीं बैंकों से लोन लेने वालों को भी बड़ा झटका लगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी MCLR आधारित लोन रेट को 0.10% महंगा कर दिया। और ये नई दरें 2-3 दिन पहले से ही 15 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। और ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक से अब आपका ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन वगैरह सब कुछ थोड़ा महंगा होगा। SBI के अलावा भी एक्सिस बैंक ने भी लोन की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। होम लोन, ऑटो लोन अब एक्सिस बैंक से ले रखा, जिन लोगों ने उनको भी महंगा पड़ेगा। एक्सिस बैंक ने 0.05% की बढ़ोतरी की है। और एक्सिस बैंक की अब नई ब्याज दरें क्या होगी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं अलग अलग लोन के लिए। इससे पहले हाल ही में कुछ दिनों पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी लोन की रेटें बढ़ाई थी, है ना। तो महंगाई में आम आदमी के लिए ये और बुरी खबर है। इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, मारुति कंपनी की कारें खरीदना भी अब महंगा होगा। आज से ही कंपनी अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 1.3% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि लागत बढ़ने के चलते कीमतें बढ़ाई जा रही है। वहीं अब आपका ताजमहल का दीदार करना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि ताजमहल के टिकट के दाम भी 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बढ़ सकते हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। आगरा विकास प्राधिकरण का फैसला अगर लागू होता है तो घरेलू पर्यटक का प्रवेश टिकट 10 रुपए से बढ़कर 50 की जगह 60 रुपए हो जाएगा, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट की दर 100 रुपए से बढ़कर 1350 की जगह 1450 हो जाएगी। इसके अलावा देखिए आप, सरसों, सोयाबीन समेत सभी तेल की कीमतों में भी बड़ा बदलाव हुआ। खाने के तेल की कीमतों में प्रति लीटर अभी अलग अलग तेल की रेटें क्या चल रही हैं, इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अलग अलग मंडी के प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट्स हैं, यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड राज्य में BP शुगर सहित जीवन रक्षक दवाइयाँ भी महंगी होगी। फार्मा कंपनियों का कहना है कि कच्चा माल महंगा होने के चलते वो दवाइयों की कीमतें भी बढ़ाएगी। तो देखा जाए दोस्तों, तो हमारे देश में भी महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है अलग अलग क्षेत्रों में। पेट्रोल डीजल ऑलरेडी कितना महंगा चल रहा है और हाल ही में LPG, रसोई गैस वगैरह, CNG, PNG सभी की कीमतें भी बढ़ा दी थी। सरकार को जरूर आम आदमी को महंगाई का बोझ कम करने के लिए कुछ अच्छे फैसले लेने की जरूरत है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारे देश के नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये जनरल नरवणे की जगह लेंगे। ये अपडेट करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स भाई लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान में रखें। अब मनोज पांडे जो है अगले आर्मी चीफ होंगे। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले देश के पहले सेना प्रमुख भी हैं और ये कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम को भी सफलतापूर्वक लीड कर चुके हैं। चीन बॉर्डर पर भी इनके काम का लंबा अनुभव है और अब ये हमारे देश के नए आर्मी चीफ होंगे। मेनी मेनी कांग्रेट्स इनको, हम सभी की तरफ से। अच्छा, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी अब गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होगा। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में और अब तलाकशुदा भी पति से ले पाएंगे गुजारा भत्ता। हाल ही में एक निचली बेंच ने उल्टा फैसला दिया था तो लखनऊ बेंच ने उस फैसले को रद्द करते हुए ये नया फैसला सुनाया है। इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने का हक होगा। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं धारा 125 के तहत इद्दत की अवधि के बाद भी, यानी कि हमारे हिंदी में उसे तलाक कहते हैं, तलाक पाने के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं, जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। तो मुस्लिम महिलाओं को अब ये नए राइट्स मिलेंगे। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे और इसी बीच उत्तर प्रदेश में अब मास्क लगाना वापस अनिवार्य हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 जिलों के लिए आदेश जारी किया जहां पर अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यूपी में 7 जिले कौन कौन से हैं? NCR के प्रमुख जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर,
बिहार, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क लगाना वापस अनिवार्य होगा। और उत्तर प्रदेश के अलावा भी दोस्तों हरियाणा राज्य में भी 4 जिलों में मास्क लगाना सरकार ने जरूरी कर दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में फिर से आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। फिलहाल ये 4 जिलों में ही मास्क अनिवार्य किया है सरकार ने। अगर कोरोना संक्रमण के मामले और ज्यादा बढ़े तो गवर्नमेंट का कहना है कि पाबंदियां भी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। अच्छा वही देखिए, हांगकांग देश ने 24 अप्रैल तक एयर इंडिया की उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि हाल ही में एक यात्रा में 3 यात्री कोरोना संक्रमित मिले थे। उसके बाद हांगकांग कंट्री ने ये बैन लगा दिया। और देखिए आप, आईपीएल पर भी फिर से कोरोना संकट देखा गया। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिचेल मार्श की तीसरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इसके बाद दिल्ली पंजाब के मैच पर भी सस्पेंस बरकरार है कि ये मैच रद्द भी हो सकता है। और बीते 24 घंटों में भी देश में कोरोना के मामलों में एकदम से बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। 2183 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इतने दिन मौतों का आंकड़ा भी काफी कम था और नए संक्रमितों का आंकड़ा भी 1000 के आसपास आ गया था, लेकिन एकदम से डबल बढ़ोतरी हुई और मौतों के आंकड़ों में तो 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि देश में कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत हो रही हो। अच्छा आपको बताऊंगा दोस्तों, आजकल धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और मस्जिदों में भी लाउडस्पीकर को लेकर काफी बवाल हो रहा देश में, तो इस पर महाराष्ट्र राज्य में सरकार ने यह नया नियम जारी कर दिया कि सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब पुलिस प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहां के डीएम बोले कि धार्मिक स्थलों के अलावा कहीं भी न बजे लाउडस्पीकर, कार्यक्रम के लिए भी अब अनुमति लेनी पड़ेगी। असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लाउडस्पीकर धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। आजकल लाउडस्पीकर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है और धार्मिक एजेंडे के नाम पर भी देश में काफी बवाल मचा हुआ है। बड़ी चिंता का विषय है ये और बड़े दुख की बात भी है दोस्तों कि हमारे देश में प्रगति, विकास और देश के डेवलपमेंट से ज्यादा धार्मिक मुद्दों पर बातचीत होती है। यानी धर्म, जाति, भेदभाव वगैरह पर ज्यादा डिस्कस किया जाता है, ना कि देश के विकास और देश की समस्याओं पर। देखिए महाराष्ट्र के नासिक कमिश्नर ने भी आदेश दिया कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजेंगे भजन और हनुमान चालीसा। हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों कि रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली में शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए और दंगे फसाद हुए। इस पर भी देखिए आप, अमित शाह ने दिए दिल्ली में दंगा कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। और वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर बिना परमिशन शोभा यात्रा निकालने पर FIR भी दर्ज की गई। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि जो लोग ये दंगा फसाद करते हैं उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करो कि ये दोबारा हिंसा ना करें। जहांगीरपुरी हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को ये सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली हिंसा का जो मुख्य आरोपी था अंसार, उसको पकड़ा भी गया। और देखिए आप, पुलिस जब उसको पकड़ कर कोर्ट ले जा रही थी ना, तब पुष्पा फिल्म के स्टाइल में वो इशारे करते हुआ नजर आया कि झुकेगा नहीं। देख सकते हैं आप, मतलब देखिए आप इनकी हरकतों पर भी इनको कितना घमंड है। और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी और हनुमान जयंती जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाएं दाखिल की गई हैं। और ऐसे धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा के मामले सिर्फ हमारे देश में ही नहीं चले, बल्कि देखिए आप, कल स्वीडन में भी कुरान जलाने के बाद बड़ी हिंसा हुई। कई शहरों में दंगे फसाद हो गए। मतलब यार, कभी कभी लगता है दोस्तों कि आजकल का युग इतना एजुकेशन का युग हो गया, इतना साइंटिफिक और इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड जमाना शुरू हो चुका है, उसके बावजूद लोगों की थिंकिंग, लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन सा भूसा भरा है जो ऐसी हरकतें करते हैं। सभी जियो अपने अपने धर्म को आराम से, क्यों मतलब एक दूसरे के धर्म के बीच टांग अड़ाते हैं, सही है कि नहीं? खैर छोड़ो, अपन बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों ने जो हड़ताल कर रखी थी उसको स्थगित कर दिया। अब आज से वापस ऑटो टैक्सी वगैरह चल पाएंगे। ऑटो टैक्सी यूनियन का कहना है कि हम अपनी हड़ताल को वापस ले रहे हैं और ये दिल्ली वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब आपको सड़कों पर परेशानी नहीं होगी। यूनियन ने कहा दोस्तों कि कल एक दिन हड़ताल की हमने, तो इसके कारण ऑटो टैक्सी, ओला, उबर वगैरह चालक सब साथ मिलकर जो हड़ताल किए ना, इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने अपनी स्ट्राइक को स्थगित कर दिया। अच्छा बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सरकार सभी लोगों को फ्री में देगी बूस्टर डोज। 18 से 60 साल की उम्र वाले लोगों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और इसके अलावा भी बिहार में कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया कि अब सीधे चुने जाएंगे मेयर और डिप्टी मेयर। दरअसल दोस्तों, कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन 2022 की स्वीकृति मिल चुकी है। अब मेयर और डिप्टी मेयर का सीधे निर्वाचन होगा। और भी कुछ बड़े फैसलों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा बिहार वासियों के लिए एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी अपडेट देखिए। वाहन मालिकों की मौत के बाद गाड़ी का ट्रांसफर करवाना अब अनिवार्य होगा, वरना परिवहन विभाग आप पर कार्यवाही करेगा। बिहार में परिवहन विभाग ने वाहनों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया, नया नियम लागू किया। अब वाहन मालिकों की मौत हो जाने के बाद वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। ऐसा किए बिना गाड़ी को चलाना अब अवैध घोषित किया जाएगा और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो सख्त जुर्माने के साथ साथ आप पर सजा भी हो सकती है ना। मतलब अगर कोई गाड़ी
मालिक इस दुनिया से गुजर जाता है तो जो पीछे उसके घर वाले परिवार वाले रहेंगे ना, उनको उनकी गाड़ी का नाम ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है। छत्तीसगढ़ में अब फ्री होल्ड होंगी नगर निगमों और पालिकाओं की संपत्तियां। अभी लीज पर दी जाती है लेकिन अब इनको फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में ये प्रमुख फैसला लिया गया। इसके अलावा सीएमओ अब गजेटेड ऑफिसर होंगे और वहीं ब्रांडेड दवा लिखने पर सरकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई भी होगी। ये कुछ प्रमुख फैसले लिए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में। इनसे राज्य के लाखों लोगों को फायदा होगा। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर। लोड शेडिंग के बाद महाराष्ट्र में अब बिजली का एक और बड़ा झटका लगेगा। इस महीने के आखिर में बड़ा हुआ बिजली बिल आएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ने अहम बैठक भी बुलाई और महाराष्ट्र में इस महीने से बिजली महंगी होने जा रही है, क्योंकि अभी कुछ तो ये कोयला वगैरह की कमी चल रही है, इसलिए भी सरकार बिजली की रेटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कोयले की कमी पर तो हालात है कि आप देश के 12 राज्यों में अंधेरा छा सकता है, क्योंकि कोयले की कमी बिजली संकट की प्रमुख वजह बन रही है। और सरकार को चेतावनी भी दी गई है। किसके द्वारा पता है? ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन AIPEF का कहना है कि देश के 12 राज्यों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। इसको लेकर सरकार को जानकारी भी दी है, जिनमें खास करके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर अभी ही बहुत ज्यादा बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और आने वाले समय में कोयले का संकट अगर दूर नहीं हुआ तो बिजली की कटौती और ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में हाल ही में आपको पता होगा रोपवे हादसा हुआ था, तो उसके बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार एक्शन में आई और एक बड़ा फैसला लिया। अब पतरातू डैम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू बोट रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि इस बांध में आसपास घूमने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं और अगर कोई अचानक से गिर जाए तो उसको डूबने से बचाने के लिए अब रेस्क्यू बोट रहेगी इस डैम में। इसी तरह से सरकार और भी अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने में लग गई है। दसम, हुंडरू, जोना और लोध जलप्रपात में भी स्काई वॉक या रोपवे को लेकर सुरक्षा मानकों और आधुनिक तकनीक के उपयोग को सुनिश्चित करने पर भी सरकार ने जोर दिया है। अच्छा वही खबर आ रही दोस्तों कि ईपीएफ के लिए बढ़ सकती है सैलरी लिमिट। 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव। दरअसल एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रूपए से बढ़ाकर 21,000 रूपए हर महीने करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि समिति ने कहा कि सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार करते हुए बैक डेट से बढ़ोतरी को लागू कर सकती है और प्रस्ताव एक बार लागू होने के बाद अनुमानित 7.5 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को योजना के दायरे में लाया जाएगा। तो पीएफ अकाउंट वगैरह को लेकर गवर्नमेंट की इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई है। अवैध खनन पर अब भरना होगा 15 गुना ज्यादा जुर्माना। नए नियम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब अगर कोई अवैध खनन करते हुए पकड़ा जाता है तो रॉयल्टी का 15 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। अवैध खनन को लेकर सरकार ने ये नए नियम बनाए हैं। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, असम राज्य में पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा तूफान और भारी बारिश बिजली की घटनाएं देखने को मिल रही है। कल तक 14 लोगों की मौत की खबर थी लेकिन आज वो बढ़कर संख्या 23 हो चुकी है और असम में 1 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं इन प्राकृतिक आपदाओं के चलते। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में 19 अप्रैल तक तो लू चलने की संभावना है। इसके अलावा कई राज्यों में बारिश के आसार भी हैं। आइए देखते हैं कि संपूर्ण भारत का आज 19 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम हिमालय के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है और बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश में लू की स्थितियां जारी रहेगी। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप। सोना महंगा हुआ और चांदी की कीमत भी बढ़ी है। सराफा बाजार में सोने के दाम में 542 रूपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ अभी सोने का रेट 53,461 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई, 993 रूपए की तेजी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 69,932 रूपए प्रति किलो पर चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें आपको बता देता हूँ। देखिए, इग्नू की बीएड बीएससी नर्सिंग के लिए स्टूडेंट्स अब 24 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। इसकी तारीख को बढ़ा दिया है, 8 मई को परीक्षा का आयोजन होगा, है ना, इग्नू यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा वहीं यूपी के बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं आप भी ऑनलाइन, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 15 मई लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, बिहार बोर्ड में 10वीं और 12वीं के एग्जाम के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है कि चप्पल पहनकर देनी होगी परीक्षा, जूते नहीं पहन सकेंगे, जूते पहनकर आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। वह देखिए, यूपी में प्रतियोगिताओं के लिए 3 काम की खबरें आ रही है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म अपलोड हो चुका है, जो मैंने आपको बताई दिया। बाकी एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड सी डी का एडमिशन कार्ड आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, अच्छा एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से कुछ और अपडेट देख लेते हैं। आपको बताओ
होगा। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तीन देशों के प्रधानमंत्री गुजरात की यात्रा पर हैं। मॉरिशस और ब्रिटेन के पीएम भी राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच देखिए, गुजरात राज्य में देश का पहला स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया गया, जो कि गुजरात के 54,000 स्कूलों पर गांधीनगर से नजर रखने में काम करेगा। 1.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स की इससे मतलब जानकारी रहेगी, निगरानी रहेगी, है ना। अच्छा, वही देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मोदी को खत लिखा। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जताई और कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया। मतलब देखिए, अब पाकिस्तान के सरकारें लाइन पर आ रही है। अच्छा, वही फिल्म इंडस्ट्री से अपडेट देखिए। KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार चौथे दिन भी कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिंदी वर्जन ने 4 दिन में 194 करोड़ रुपए कमाए और अभी ये हिंदी, केरल और कर्नाटक में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 4 दिन में 550 करोड़ से भी ऊपर निकल चुका है। वही रूस यूक्रेन युद्ध पर अपडेट आ रहा है कि रूस पर एक और बड़ा आरोप, बच्चों को सेना में भर्ती कर रहा रूस ताकि यूक्रेन में मारे गए सैनिकों की कमी को पूरा किया जा सके। रूस यूक्रेन जंग को 55 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन बॉर्डर के पास दिखे पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160। वहीं डोनेस्टक में 24 घंटे में 9 बार हुए रूसी हमले, जिसमें 2 और लोगों की जान जाने की भी खबर है। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट देखिए दोस्तों। आखिरी ओवर में जीता राजस्थान रॉयल्स, रोमांचक मुकाबले में KKR को 7 रन से हराया। युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक समेत 5 विकेट झटके। दरअसल IPL 2022 का 30वां मैच राजस्थान और कोलकाता के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता को 7 रन से हरा दिया। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों। यदि आपके पास भी रोजगार का कोई आइडिया है तो सरकार 10 दिन में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देगी और वो भी मात्र 2% की ब्याज दर पर। जी हां, आपने सुना होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। तो सरकार हमारे देश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना निकाले हुए हैं। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का प्लान है, तो सरकार आपको 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराती है। इस योजना के तहत आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए, बैंक में आपका सिबिल स्कोर सही होना चाहिए और लोन लेने के लिए आपके पास बिजनेस का एक राइट प्लान होना चाहिए। आप कौन सा बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, किस फंडामेंटल पर वो बिजनेस वर्क करेगा, कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट अगर आपके पास है तो आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच जाकर के प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल mudra.org.in से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा वही देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ आएंगे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। 6 मई को पंजाब यूनिवर्सिटी के 69वें दीक्षांत समारोह के विशेष अतिथि होंगे। 2 साल बाद हो रही है कॉन्वोकेशन। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को अब किसानों का दर्द सता रहा। 25 अप्रैल को वो भी किसान भाई लोगों के साथ रेल रोको आंदोलन में शामिल होंगे। पंजाब में अभी भी किसान भाई लोग जो है कई सारे सरकार के वादों से खफा है और इसके लिए वो 25 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन करने जा रहे, इसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। वही देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अब आपका घर बनाना ज्यादा महंगा होगा। ईंट, सीमेंट वगैरह सब कुछ महंगा हो चुका है। छड़, रेत, ईंट, गिट्टी, सीमेंट सारी चीजों के दाम एकाएक बढ़ गए हैं। छड़ में तो प्रति 10 क्विंटल करीब 20,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो सरिया वगैरह आता है ना, जबकि रेत में भी प्रति हाईवा 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई। कुल मिलाकर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है घर बनाने के लिए काम में आने वाली जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा महंगी हो गई। और सिर्फ बात छत्तीसगढ़ राज्य की ही नहीं है, देश भर में महंगाई में ये चीजें भी शामिल है। और इधर सरकारें क्या कर रही है देखिए आप, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जिलों और शहरों के नाम बदलने की तैयारी कर रहे हैं। योगी कैबिनेट में जल्दी इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। हालांकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक अच्छी योजना शुरू की है। यूपी में गरीब की बेटी की शादी के लिए अब मिलेंगे 1 लाख रुपए और इसको लेकर सरकार ने योजना के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पहले ये सहायता राशि 51,000 रुपए थी, इसको सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। योगी सरकार का जो नया कार्यकाल शुरू हुआ इसमें उनकी तरफ से इस योजना की राशि को बढ़ा दिया। अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई BPL या गरीब परिवार के बेटी की शादी होती है तो सरकार सीधा 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में देगी। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। सामाजिक विवाह योजना की रकम को सरकार ने बढ़ा दिया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा है। शॉपिंग प्रेमियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI लाया धमाकेदार ऑफर। योनो ऐप से अगर आप शॉपिंग करते हो तो आजकल SBI योनो ऑफर लेकर आया हुआ है। कई सारी चीजों पर आपको 70% तक डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफर के बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अयोध्या में अब मकर संक्रांति पर 2024 तक भव्य गर्भ गृह में विराजेंगे रामलला, क्योंकि 2023 में खर मास के चलते दिसंबर 2023 में नहीं होगा राम मंदिर का उद्घाटन। वहीं टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है। व्हाट्सएप में अब आपको इस तरह का नया फीचर भी मिलेगा कि आप सेलेक्टेड कॉन्टेक्ट के लिए लास्ट सीन को हाइड कर सकेंगे। अभी मतलब आप लास्ट सीन हाइड करते हो तो सभी कॉन्टेक्ट के लिए एक साथ हो जाता है, राइट। लेकिन अब आप व्हाट्सएप से पर्टिकुलर चुनिंदा लोगों को, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जिन जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो अपना लास्ट सीन नहीं देखे, उनको सेलेक्ट करके लास्ट सीन को हाइड कर पाएंगे। ये नया फीचर मिलेगा एक तो जल्दी व्हाट्सएप में। इसके अलावा स्मार्ट ग्लास से भी आप मैसेजेस का रिप्लाई कर पाएंगे, ये भी टेक्निकल अपडेट आएगा व्हाट्सएप में। वही ट्विटर कंपनी भी इस तरह का नया फीचर लाने पर तैयारी कर रही है कि आप अपनी गलती को सुधार पाएंगे, मतलब एक बार ट्वीट करने के बाद उसे एडिट भी कर पाएंगे। ये ऑप्शन भी आपको ट्विटर में जल्द ही मिलेगा।
अच्छा मैं देखिए दोस्तों, सरकार का एक बड़ा ऐलान, साल 2023 तक हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटीज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इससे विकास को नई दिशा मिलेगी, ये कहना है आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। अच्छा साथ ही कृषि मंत्रालय ने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए, किसानों और उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा इससे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। पहला पोर्टल है CROP यानी कंप्रेसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो कि फसल सुरक्षा सामग्री के पंजीकरण संबंधित प्रक्रिया को गति व प्रदर्शित करता है। दूसरा पोर्टल है PQMS प्लांट क्वारंटीन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात संबंधित दस्तावेजों को जारी करने में भूमिका निभाता है। तो इससे कुल मिलाकर के किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों की खेती बाड़ी से जुड़ा उद्योग भी बढ़ेगा। ओके तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कोरोना वायरस के अब तक कुल कितने वेरिएंट सामने आ चुके हैं, कोई 2 वेरिएंट के नाम लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।